तो अभी देखिए हमारे यहाँ मतलब होली का पकवान बनना चालू हो गया है। सबसे पहले हम लोग चूल को होली खिलाए हैं, देख लीजिए अबीर से उसे रख दिए हैं। और मम्मी अभी बनाना स्टार्ट की है, अभी जस्ट आग को लगाई है फिर बनाएंगी। अभी सारा चीज मतलब कुछ किचन भी बन रहा है गाइस, तो कुछ यहाँ बन रहा है क्योंकि गैस जिससे खत्म ना हो जाए, क्योंकि गांव में बहुत चीजें बनती हैं जिससे गैस खत्म होने का डर रहता है। तो गाइस आप लोगों को पूरा ब्लॉग जरूर देखना है, और हाँ आप लोग बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा और हैप्पी होली जरूर लिख कर जाइएगा। देख लीजिए अभी बनना स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ, और हमारी दीदी से दूर दूर से देख रही है, बना नहीं रही है, खाने को इनको मिलेगा अभी। तो देखिए मम्मी बना रही है पुआ। हाँ अबे तो कलर कलर रहा है। तो गाइस ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। हे देखिए अभी तो बन रहा है क्या क्या, अभी सब्जी भी रहने में मुझे भूख लग गया है, सब्जी भी मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगी। अभी पुआ बनाते जा रही है, पुआ सिर्फ पुआ बना रही है मम्मी। अरे मम्मी जल्दी बनाओ यार, भूख लगा हुआ बहुत तेज से। देखिए अभी क्या क्या बन रहा है हमारे घर। वाओ पूरी तो नजर ना लगे मम्मी, पूरी किस तरह से बन रही है, बड़ी बड़ी छोटा छोटा पूरी बन रही है मम्मी। तो गाइस पूरी बना रही है हमारी दीदी, तो कुछ बोलना चाहेंगे दीदी? हाँ बोलिए। हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग आइए और भोजन करिए अच्छा अच्छा। हाँ। और होली का खूब अच्छे से मनाइए धूमधाम से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। पता चला कि आधा खाना बनके तैयार हो गया, तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों को दिखाएं आधा खाना हमारा जब रेडी हो ही चुका है। ए वही जल्दी बनाओ, हमें भूख के मारे बहुत से प्यास लगी, रहना भूख लगी। खा लो खा लो, कच्चा पूरी खा ले, एक खा लो और ए भी खा लो, कच्चे कच्चे ए भी खा लो, नहीं खाएंगे। गाइस बताइए इतना लेट क्यों हो रहा है अभी होली खेलने का, आज जब वीडियो कैसे बता कि ये मेरे समझ में आ रहा है, जब होली आज हम इतना होली खेलेंगे ना, इतना होली खेलेंगे आप लोग देखना। होली पे तो हर चढ़ल दिमाग बोला काहे ए बहिनी है। फ्रेंड आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। पता नहीं क्यों आज हम मुर्गी जैसे लग रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि शायद होली खेलने के बाद सबका नशा उतर गया, क्योंकि सबको एक प्रकार का नशा चढ़ा था जो ऐसे होली खेल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये भी खेल रही थी का आप होली कर रहे दीदी, इतना भयानक